गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ क्लास 7, चैप्टर 5, प्रेजेंट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में स्टडी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स कंटिन्यूअस प्रेजेंट वर्तमान काल, और कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसका में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है बी वर्ब। बी वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर। ये बी वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की। पास्ट टेंस की बी वर्ब अलग होती है, फ्यूचर टेंस की बी वर्ब अलग होती हैं। तो इज एम आर जो होती है, ये इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इसका जो सेंटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, वो कैसा है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ में लगानी पड़ती है। मीन्स टू प्रेजेंट सिंपल मीन्स वर्ब की आई एन जी फॉर्म। सभी जैसे कि पिछले सेंटेंस में टेंसेज में आपने स्टडी की है कि जो सबका फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही है, अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं और यहाँ मैन वर्ब चेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल से कि आई एम रीडिंग, द बॉय इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ नाइट। इज़ प्लेइंग मतलब खेल रहा है, रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। तो जब कंटिन्यू प्रेजेंट में जब कोई काम कंटिन्यू करते हैं तो हम उसको कंटिन्यूस बी वर्ब के साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर नॉट आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट रीडिंग, द बॉय इज नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ नाइट। आई एम नॉट सभी के साथ में नॉट आएगा, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? इज एम आर सब्जेक्ट आई एन जी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इज एम आर मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो जब सेंटेंस बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक तो बनाते हैं आई, एक किससे बनाते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड से, मॉडल से, और हेल्पिंग वर्ब से। अब जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक्सचेंज हो जाते हैं, अपनी प्लेस को अपनी पोजीशन को सेंटेंस में एक्सचेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे एम आई रीडिंग, इज द बॉय प्लेइंग द रोल ऑफ नाइट। देखिए अब रिमेंबर, वर्ब बी फॉर्म कैन बी यूज्ड एज इज एम आर, वॉज वर। वी यूज इज एम आर इन प्रेजेंट टेंस, व्हाइल वॉज एंड वर इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की वॉज क्या होती है? वॉज वर होती है बी वर्ब, और इज एम आर प्रेजेंट टेंस की होती है। बी वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ एज ए मैन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। जो बी वर्ब होती है वो हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ में लेते हैं और मैन वर्ब के रूप में भी यूज़ में लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कब होती हैं हेल्पिंग वर्ब? ये जब इनके बाद कोई आई एन जी फॉर्म हो वर्ब की तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अदरवाइज अगर इनके बाद बी वर्ब कोई भी हो, वॉज वर या इज एम आर, इनके बाद अगर कोई कोई नाउन है, प्रोनाउन है, या कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर ये मैन वर्ब का काम करती है। देखिए इट्स फॉर्म रिमेंस द सेम वेदर इट इज़ यूज इज अ मैन वर्ब और द ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ये बिल्कुल सेम रहती है इनकी फॉर्म। जैसे इज को ज़रूरी नहीं है कि इज्ड आई एन जी लगाएं, अगर ये मैन वर्ब के रूप में है तो इसकी सेकेंड फॉर्म लगाएं, नहीं। इनकी इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ इज क्या है? इंटेलिजेंट क्या आ गया यहाँ पे? एडजेक्टिव आ गया, तो ये क्या है? मैन वर्ब है। रिया इज रीडिंग ए बुक, तो इज अब यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब है, ना कि मैन वर्ब, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ गई इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसके बाद यहाँ एडजेक्टिव आ गया तो ये मैन वर्ब है इस यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या होते हैं। यूज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, जब वो काम हो रहा हो, जब कोई काम हो रहा हो उसी टाइम हमने बोल दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ आई एम टीचिंग, जब मैं पढ़ा रही हूँ तभी मैंने बोला वो काम, जो काम चल रहा है उसके बारे में जब हम बोल रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज में लेते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट, द बेबी इज स्लीपिंग। अब जब बेबी सो रहा है तो हम उसके लिए क्या कहा हमने, जब ये काम हो रहा है उसी टाइम हमने बोला कि द बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट। रोहन इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स इन द पार्क। ओके, जो हम बोल रहे हैं, जो काम हो रहा है बोलते टाइम ही वो काम हो रहा हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज में लेते हैं। द सेकंड वन, द सेकंड यूज इज टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन दिस डेज नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज में लेते हैं जो इन दिनों कंटिन्यूटी में तो हो लेकिन ज़रूरी नहीं बोलते टाइम वो काम हो रहा हो। जैसे अरुण इज़ लर्निंग टू ड्राइव अ कार दीज डेज। अब क्या है दीज डेज आ रहा है, मतलब ये सेकंड वाले का दीज डेज, इन दिनों। अब अरुण जो है वो सीख रहा है, इन दिनों कार चलाना सीख रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ, आजकल मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ, नावे डेज, दीज डेज, ये सब यूज़ में आते हैं इसमें। तो मीन्स टू से अगर नाव आ जाए तो मतलब वो काम अभी जब हम बोल रहे हैं ना वो काम हो रहा है, लेकिन अगर दीज डेज या नावे डेज आ जाए तो मतलब वो कंटिन्यूटी में तो है काम प्रेजेंट में लेकिन जरूरी, लेकिन बोलते टाइम वो काम नहीं हो रहा है। जैसे माई सिस्टर इज़ वर्किंग एज ए रेडियो जॉकी फॉर 94.3 FM, मतलब 94.3 FM के लिए रेडियो जॉकी का काम कर रही है मेरी सिस्टर। तो अब ज़रूरी नहीं है बोलते टाइम वो कर रही हो। जैसे आई एम टीचिंग इन सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल, आई एम टीचिंग इन वॉट एवर, जिस भी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं उसका अगर हम नाम लेते हैं तो क्या होगा। अब ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं बात कर रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं, इन दिनों मेरा काम कंटिन्यूटी में है कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। क्लियर। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंट क्या होता है, सॉरी एक रह गया। देखिए जो नेक्स्ट जो यूज है इसका, टू इंडिकेट एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर मतलब ऐसे काम को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ में लेते हैं जो नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया गया हो, जिसकी उम्मीद हो कि वो नियर फ्यूचर में हो जाएगा। जैसे कि द फोर फ्रेंड्स आर गोइंग टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून। अब नियर फ्यूचर है ये, हमने सुबह बात की कि जो चार फ्रेंड्स हैं ये लाइब्रेरी जा रहे हैं, कब, आफ्टरनून में। आई एम लिविंग फॉर चेन्नई टुमोरो। अब टुमोरो जो है वो तो फ्यूचर आ गया ना, लेकिन नियर फ्यूचर है, आज हमने कहा कल नियर फ्यूचर है, तो आप इसके लिए कह सकते हो कि आई एम लिविंग फॉर चेन्नई टुमोरो, मैं कल चेन्नई जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज में लेते हैं जिस एक्शन को की एक्सपेक्टेशन है कि वो नियर फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस एंड स्टेट्स, व्हाइल द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो तो हैबिचुअल एक्शंस को और स्टेट्स को शो करता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो कोई काम जो प्रोग्रेस में हो, जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम प्रोग्रेस में हो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज में लिया जाता है। जैसे
मदर लीव्स फॉर ऑफिस एट 8 इन द मॉर्निंग. ये हैबिचुअल एक्शन है कि मदर 8 बजे मॉर्निंग के में ऑफिस के लिए चली जाती हैं. मदर इज़ लीविंग फॉर ऑफिस नाउ. अब ये जब हम बात कर रहे हैं, ये तो हैबिचुअल एक्शन है कि हाँ वो जाती हैं, ज़रूरी नहीं वो जा रही हैं तब बोलेंगे. लेकिन जब वो मदर जा रही हैं ऑफिस तो हमने बोला तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, और जाती हैं वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा. द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेक्स वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजली, समटाइम्स, एवरी डे. व्हाइल द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टेक वर्ड्स लाइक नाउ एंड टुडे, नाउ एंड टुडे एंड दीज डेज, नाउ डेज. ठीक है, तो ये वर्ड जो आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ आते हैं, और ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजली, समटाइम्स, एवरी डे, ये सब वर्ड्स आते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ. जैसे वरुण यूजली प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग. वरुण इज़ प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स टुडे. आज देखो, यूजली मतलब मीन्स खेलता है वो फुटबॉल अपने फ्रेंड के साथ में शाम में, हम यूजली खेलता है वो. लेकिन वरुण इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वरुण खेल रहा है फुटबॉल अपने फ्रेंड्स के साथ आज. आज वो अपने फ्रेंड के साथ में खेल रहा है मीन्स वो अभी काम चल, जब हमने बोला तो वो प्ले कर रहा है फुटबॉल, मतलब जो भी प्लेइंग प्ले कर रहा है. लेकिन हमने क्या कहा, वो कर खेलता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो उस टाइम खेल रहा है. अगर खेल रहा होगा तो हम वो कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. रिमेंबर, हेयर आर फ्यू वर्ड्स वर्ब्स दैट आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस बट नॉट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस. कुछ ऐसी वर्ब हैं जो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में काम में आती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती हैं. जैसे वर्ब्स ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस, डिज़ायर, अब डिज़ायरिंग नहीं हो सकता ये, वॉन्ट, वॉन्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि कंटिन्यूस में तो ing लगता है. तो जो इमोशनल ऐसे वर्ड्स वर्ब हैं जिसका हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बना सकते. फील, फीलिंग नहीं होता. फियर, फियरिंग, हेट, हैटिंग, लाइक, लाइकिंग, डिसलाइक, डिसलाइकिंग, लविंग, केयरिंग, एडमायरिंग, रिस्पेक्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग. ये वर्ड्स होती हैं वो ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में आती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती हैं. वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेटस एक्टिविटी, देखिए ये भी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में काम में आती हैं. डिसएग्री, एग्री, बिलीव, डिसबिलीव, बिलीविंग नहीं होता, डिसबिलीविंग, डिफरिंग, डाउटिंग नहीं होता है, डाउट, फाइंड, इमेजिनिंग नहीं होता है, इमेजिन, नो, मीन, रिमेंबर, रिकलेक्ट, अंडरस्टैंड, सपोज, ट्रस्ट. ये मेंटल स्टेटस हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल में काम में आती हैं, ये वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आती है. वर्ब्स ऑफ सेंसेस जैसे सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट, इसमें भी हम ing नहीं लगा सकते, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल में काम में आती है. वर्ब शोइंग पोजिशन, पोजेसेस, ऑन, बिलोंगिंग, ऑनिंग नहीं कह सकते, बिलोंगिंग नहीं कह सकते. वर्ब्स लाइक अपीयर, सीम, कंसिस्ट, कंटेंट, रिजेंबल, मैटर, डिजर्व, डिपेंड, ये भी नहीं आती है. दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट एंड नॉट एन एक्शन, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब्स. ये जितनी भी आपको वर्ब्स बताई हैं ये आपका क्या है, सिर्फ डिस्क्राइब करती हैं, स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं, स्टेट कंडीशन को डिस्क्राइब करती हैं, ये एक्शन वर्ब में नहीं आती हैं. इसलिए हम एक्शन वर्ब में ही हम ing लगा सकते हैं, ed लगा सकते हैं. तो इनको कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स. आज के लिए सिर्फ इतना ही. टिल देन, थैंक्स.